लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्पेक्टर हमारे धंधे का कैंसर है और इस कैंसर का एक इलाज है, शूट हिम। यह वही सपोला है जो 5 साल बाद जहरीला नाक बनकर हम सबको डसने आ रहा है। नहीं, वो हमें नहीं, हम उससे डस लेंगे। सरकार के एक छोटे से नौकर के लिए इतनी बड़ी मीटिंग, इतना टाइम वेस्ट। विकी, छोटी तो चींटी भी होती है लेकिन अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो पूरे जंगल में कयामत आ जाती है। तुम उस कमीने को छोटा मत समझो। ये वक्त बातों का नहीं, उस इंस्पेक्टर को इस शहर में आने से रोकने का है, वरना हमारे सारे धंधे बंद हो जाएंगे। वो इंस्पेक्टर अपने सीने में हम सब की बर्बादी का तूफान लेकर आ रहा है। मैं उसके सीने में इतनी गोलियां दाग दूंगा कि बर्बादी का वो तूफान उठने से पहले ही बैठ जाएगा। मैं उस हरामजादे को बंबई पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूंगा। आई शैल शूट दैट बास्टर्ड। नहीं छोटू, नहीं। जमीन पर बिजलियां भी गिरती हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन उन तूफानों से घबराकर हम जीना नहीं छोड़ देते। तूफानों से मुकाबला करना हमने सीखा है। आने दो इस तूफान को भी, देखते हैं क्या रंग लाता है। लेकिन बड़े भाई, शायद आपको मालूम नहीं कि ये वही इंस्पेक्टर है जिसने 5 साल पहले हमारी शख्सियत पर कानूनी कलम चलाने की कोशिश की थी और बंदूक भी। हाँ बड़े भाई, ये वही है जिसे पिछली बार आपने बंबई से रवाना करवा दिया था, लेकिन इस बार ट्रांसफर का कोई चांस नहीं है। छोटू, हम तूफान भी हैं और भोचाल भी। इस खतरनाक खोपड़ी से ऐसा ज्वालामुखी निकालेंगे जिस पर कदम रखते ही इंस्पेक्टर आग और शोलों में झुलस जाए। लेकिन बड़े भाई, आप तो अगर वो हमारे साथ नरमी से पेश आया
तो हम उसके गले का हार बन सकते हैं, और अगर सख्ती से पेश आया तो गला काटने की तलवार भी, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और हमारा ये उसूल है पुराना। इंस्पेक्टर रवि कपूर के सामने कोई उसूल उसूल काम आने वाला नहीं। अरे आज तो अच्छे अच्छे कांप रहे होंगे। जब बादशाह आता है तो सिपाही कांपता है, जब वजीर आता है तो दरबान कांपता है, जब दरबान आता है तो पहरेदार कांपता है, और बिल्ली को देखकर चूहा कांपता है, शेर को देखकर जंगल कांपता है, और जब एक ईमानदार और खतरनाक पुलिस ऑफिसर आता है तो पुलिस स्टेशन क्या सारा इलाका कांपने लगता है। मेरी बात 100% सच है, 100% सत्य। मतलब वो इंस्पेक्टर नहीं है, शेर है शेर। वो जहां भी गया वहां सब बंद। सब बंद मतलब? सब बंद मतलब हमारी तुम्हारी बंद, सट्टेबाजी बंद, गुंडागर्दी बंद, अरे स्मगलिंग बंद, बल्कि हम जैसों की हफ्ते की कमाई भी बंद। हम घर कैसा चलेंगे? अरे बस ये समझ लो कि आज से हवलदार नामदार की नौकरी पर शनि ग्रह चढ़ गया, और शनि देवता का नाम है इंस्पेक्टर रवि कपूर। गुड मॉर्निंग सर। मुजरिम कानून से घबराता है, कानून कानून से नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे चेहरे पर ये पसीने की बूंदे तुम्हारी घबराहट के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट की कमजोरी का भी ऐलान कर रही हैं। नहीं साहब, ये कमजोरी का पसीना नहीं है, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, तो ये आपके आने की खुशी का पसीना है। मैं 100% सच कह रहा हूँ, 100% सत्य। हवालदार नामदार, नामदार है मेरा नाम साहब। मिस्टर नामदार, जिस तरह ज्यादा खाने से पेट की गारंटी खत्म हो जाती है, उसी तरह ड्यूटी पर ज्यादा बकवास करने से नौकरी की गारंटी भी खत्म हो जाती है। क्या समझ गया सर, नौकरी की गारंटी भी कम हो जाती है। काम की बात करो, वो फाइल कहाँ है? तैयार है सर, बिल्कुल रेडी, एकदम रेडी। ये लीजिए, इसमें अपने इलाके के सारे काली करतूतों के करने वालों के नाम धंधे के साथ लिखे हुए सर। नामदार जी, ये 9 नंबर का नाम लाल से ऐसे लिखने का मतलब? खतरा, खबरदार, जान का धोखा। इसलिए साहब हम आने वाले हर पुलिस ऑफिसर को पहले से खबरदार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी आ। कौन है ये सोनू? सोनू क्लब का मालिक, बहुत खतरनाक गुंडा है साहब। इस पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने साहब कई ऑफिसर आए और चले गए, मगर कोई भी सोनू का क्लब नहीं बंद करा सका, और न इसके बंद होने के चांसेस है साहब। आज ये क्लब बंद होगा और हमेशा के लिए बंद होगा। सोनू किधर है? लगता है आप पुलिस स्टेशन में नए नए आए। निकलो पुलिस की है। चलो जल्दी तोड़फोड़ डालो हर घर का चीज को। रुक जाओ इंस्पेक्टर, शायद तुम्हें मालूम नहीं ये क्लब सोनू का है। जितनी तुम कुर्सियां तोड़ोगे जवाब में सोनू उतनी तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। कमी है। सोनू का कौन? सोनू का इस ईंट का जवाब सोनू तुम्हें पत्थर से देगा। पत्थर के बच्चे, अब जवाब तुझसे मैं निकालूंगा। हेलो, पुलिस वाले और पुलिस स्टेशन के टेलीफोन का कोई ठिकाना नहीं, हम भागते रहते हैं ये बजते रहते। हेलो हवलदार नामदार। अरे तू हवलदार है क्या चौकीदार है? तेरे को मालूम है इधर सारा मोहल्ला जाग रहा है? क्यों, नवरात्रि है क्या? डिस्को डांडिया हो रहा। चलो चलो रे बाजमा मेला हम, चलो चलो रे बाजमा मेला हम। अरे डांडिया नहीं, इधर सब गांडिया लोग जमा हो गए हैं। चलो सच, एक तानी हम ड्यूटी पर हैं, हम नहीं आ सकते। तुम भंकस छोड़ो और पुलिस फोर्स लेकर जल्दी से इधर आ जाओ। इधर एक लड़की ने अक्का मोहल्ला सर पर उठा कर रखा हुआ है। मतलब लफड़ा राणा, 3-5। 3-5? कमाल है, रात को लड़की 3-5 कर रही है। लगता है बम्बई बहुत आगे जाएगी।
अरे मगर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुंह से। एड्रेस पूछ रहा है? हाँ, जू लेन से बोल रहा है ना। जू लेन से? नामदार सर, क्या बात है, किसका फोन है? जू लेन से एक लड़की का फोन है सर, चलिए उसको उठाना है। व्हाट? मेरा मतलब है, एक लड़की ने मोहल्ले को सर पे उठा रखा है, अब उसको उठाना बहुत जरूरी हो गया। एक घंटे के 60 मिनट में 120 फोन आ चुके हैं सर। चलिए सर, लड़की को उठा लाए सर, चलिए उठा ले। इंस्पेक्टर साहब, हमारा स्वर्ग जैसा मोहल्ला तो बिल्कुल नरक हो गया। मैन, हमारा तो जिंदगी खराब हो गया। अरे भाई, हमारा तो नींद ही हराम हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम तो उधर पंखे के नीचे आराम से सोता है और हम लोग इधर उल्लू के पट्टे के माफिक आखिर जागता है। लेकिन आप लोग बताएंगे भी कि आप लोगों को तकलीफ क्या है? इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ ही तकलीफ, परेशानी परेशानी। ये जो ऊपर रहती है ना, रात भर फिल्मी गाना और डिस्को म्यूजिक बजाती है, वो भी इतना जोरदार आवाज से कि कान का पर्दा फट जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल शांति शांति है। अरे वो तो कैसे चेंज हो रहा होगा, इसके लिए शांति है। अभी थोड़ी देर के बाद देखिए, म्यूजिक चालू होगा तो म्यूजिक ही सुनाई देगा, बम भी फूटेगा तो भी नहीं सुनाई देगा। कौन है? Oh my God, you look so handsome. I'm crazy about you. I love you. Hey, ma'am साहब, माना कि आप हिम्मत वाला फिल्म का गाना सुन रही हैं, लेकिन किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस हिम्मत वाले से इस तरह टकराने की कोशिश करे। पर कुछ भी कहो, तुम लगते तो जितेंद्र हो। ना मैं जितेंद्र हूँ, ना धर्मेंद्र हूँ, मैं इस इलाके का नया इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। जिस तरह हिम्मत वाला में श्रीदेवी को ले गए थे। मुझे इस तरह का बेहूदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, क्या एक्टिंग की आपने! पिक्चर सुपर डुपर हिट थी, मैंने 10 बार देखी पिक्चर। लगता है रात रात भर फिल्मी गाने सुन सुन कर तुम्हारी खोपड़ी भी फिल्मी हो गई है। जब ये डंडा पड़ेगा ना तो सारा फिल्मी भूत उतर जाएगा। तो क्या तुम जितेंद्र नहीं हो? जी नहीं, मैं इंस्पेक्टर रवि हूँ और ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। क्या? हाँ, और अगर तुमने रात रात भर नाचने गाने का ये तमाशा बंद नहीं किया तो मुझे तुम्हें हवालात में बंद करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ गए हैं, अकेली हूँ, जिंदगी के हर पल का मजा लुटती हूँ और आप जैसे नए नए इंस्पेक्टर आकर मुझे लुटते हैं। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें मुंह मीठा करना है। ये क्या है? मिठाई है इंस्पेक्टर साहब। जो भी इंस्पेक्टर मुझे लेने आता है ये मिठाई खाता है, पानी पीता है और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? अगर ये कम है तो एक ताली और बजाओ। शायद तुमने जेल की थाली खाई नहीं, इसलिए इस तरह तालियां बजाकर थाली खिलाने का शौक रखती हो। अब ताली मैं बजाऊंगा और थाली तुम खाओगी। साहब, ले चलो श्रीदेवी को थाने, बहुत तालियां बजाती है। अरे अरे, क्या कर रहे हो? चला भाई चला, बार बार नको करा, चला तुम्हें चला। छोड़ा ना इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर मेरे को मराठ का बच्चा लगा। इसके पहले कितना इंस्पेक्टर आया, आता था गरम, जाता था ठंडा। ये आया ठंडा लेकिन गया गरम। Thank you.
पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। छोड़ दीजिए ना साहब। चुपचाप बैठी रहो वहीं। पर ये तो जुल्म है आपका। क्या मैंने चोरी की है, डाका डाला है या किसी का खून किया है? हाँ खून किया है, बेगुनाह इंसानों की रात भर की नींद का। अच्छा बाबा अब नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। मुझे मुझे भूख लगी है। भूख लगी है, खाना खाना है। ये क्या है? तुम्हारी ताली पर वो थाली आई थी और मेरी ताली पर ये थाली। ये खाना है 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, 100% शुद्ध शाकाहारी भोजन। ये खाना मैं खाऊं? जी हाँ, यहाँ आने वाला हर कोई यही खाना खाता है। ये खाना खाओ और आराम से सामने बेंच पर लेट जाओ। क्या कह रहे हैं आप, बिना कंबल बिना एयर कंडीशन इस लकड़ी की बेंच पर मच्छरों के बीच सो? अरे इंस्पेक्टर साहब ऐसा जुल्म मत करिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब मुझे यहाँ एक सेकंड भी नींद नहीं आएगी। जो दूसरों की नींदें हराम करते हैं उनका यही अशर होता है, जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी। हवलदार नामदार सर, इसे रात भर यहीं इसी बेंच पर सुलाना, और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे हवालात में बंद कर देना। कर दूंगा सर, मैं चलता हूँ। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं जा रहा हूँ सोने, अपने घर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं अपने गले की कसम खाकर कहती हूँ अब कभी रात को गाना नहीं बजाऊंगी, लोगों की नींद हरम नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्लीज प्लीज। पहली वार्निंग देकर आखिरी बार छोड़ रहा हूं, आपके कोई शिकायत आई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं आएगी इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, प्रॉमिस। ठीक है चलो जाओ। थैंक यू। पर इंस्पेक्टर साहब इतनी रात को मैं अकेले घर कैसे जाऊं? सर मैं छोड़ दूं? नामदार। यस सर, समझ गया। क्या? नहीं छोड़ सकता। चलो मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। लगता है अपना सब खड़े खड़े इस लाल छड़ी के चक्कर में फंस गया। 100% फंस गया, 100% सत्य फंस गया। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, घर तक छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। कमाल है, मेरे जाते ही पूरे मोहल्ले में शांति हो गई, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। और इस शांति को तुम बिल्कुल भंग नहीं करोगी, समझी? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर। गुड, चलो। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे। ये क्या बदतमीजी है? इंस्पेक्टर साहब इससे भी बड़ी बदतमीजी हो गई थी। वो क्या? मैं आपको गुड नाइट कहना भूल गई थी, ये जो बजाया था ये गुड नाइट था। गुड नाइट इंस्पेक्टर साहब। गुड नाइट। सुनिए अब क्या हुआ? कुछ भी कहो, तुम लगते तो जितेंद्र हो। पागल। सोनू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। कौन है? सोनू कहाँ है?
नहीं मालूम। नहीं मालूम। बोल सोनू कहाँ? नहीं मालूम। बोल सोनू कहाँ? जानता हूँ साहब, मगर उस देवता का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताए इंस्पेक्टर, जंगल में आकर शेर का पता नहीं पूछते। आ रहा हूं मैं। अरे ओ सोनू, ये देख आ गई तेरी राधा और साथ में तेरी गर्मा गर्म खोपड़ी को ठंडा करने वाली दवा भी, तेरा मनपसंद औरंगाबादी कलिंगर। अरे पहले तो कलिंगर का नाम सुनते ही खटिया से उछल पड़ता था और आज हिला तक नहीं। अच्छा मेरे जाते ही दारू भी पीनी शुरू कर दी, वो भी एक नहीं चार चार बोतलें। अब तू ऐसे नहीं उठेगा, तुझे उठाना ही पड़ेगा, वो भी औरंगाबादी गाली से। अरे उठ साले। अरे झोली, तू सोनू की खटिया पर सो रहा है, तेरा उस्ताद कहाँ है? अंदर हो गया उस्ताद। लेकिन हुआ क्या? वही जो हफ्ते में छह दिन होता है, मारा मारी। लेकिन इस बार उस्ताद वर्दी से टकरा गया, उसने एक नए इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। क्या? हाँ राधा, वो बहुत कड़क इंस्पेक्टर है, उस्ताद को छोड़ेगा नहीं। देखा, मैं उसे बराबर से बोलती थी कि छोड़ दे ये गुंडागर्दी, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। अब जाएगा ना 6 महीने के लिए अंदर, अब उसे पता चलेगा कि मेरा कहना सच था या झूठ। जॉनी, वो इंस्पेक्टर वाकई कड़क है। कड़क? अरे ऐसा इंस्पेक्टर तो अपने इलाके में कभी आया ही नहीं। दादा लोग तो दादा लोग, खुद पुलिस वाले उससे घाबरते हैं। सर, कोई सोनू की जमानत के लिए आया है। भेजो। यस सर। आओ। नमस्ते साहब। बैठो। सोनू से तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब रिश्ता है नहीं, होने वाला है। ओ, समझा। साहब छोड़ दो ना मेरे सोनू को। छोड़ दो? और वो भी सोनू जैसे बुराई के पहाड़ को? नहीं साहब, मेरा सोनू बुरा नहीं है, कुछ बदमाशों ने उसे बुराई के कामों में उलझा दिया है। मोहल्ले के एक एक घर में जाकर पूछिए साहब, अरे कई घर तो मेरे सोनू की कमाई पर चलते हैं। पाप की कमाई पर? पाप की कमाई से भी साहब, सोनू काम अच्छा ही करता है, किसी का घर चलाता है, किसी की शादी कराता है। खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने खर्चे से कितने बच्चों को पढ़वाता है। जमाने भर को सुधारता फिरता है, खुद क्यों नहीं सुधरता? सोनू सुधर जाएगा साहब, लाइफ में पहला टाइम आप ही ऐसा इंस्पेक्टर है जिसने उसे अंदर किया है। बस साहब दिमाग का थोड़ा गर्म है, यही उसमें खराबी है, मगर दिल देखो वो तुम्हारे और बस्ती वालों के दिलों में एक मसीहा की जगह रखता होगा, लेकिन कानून की किताब में वो सिर्फ एक मुजरिम की जगह रखता है, मुजरिम की, समझी? मैं उसे किसी दया और रहम की बुनियाद पर नहीं छोड़ सकता। जमानत पर भी नहीं? साहब ये मेरे वो गहने हैं जिन्हें मेरी मां मेरे लिए छोड़ गई है। क्या मेरी सुहागन होने की तमन्ना भी सोनू की जमानत नहीं बन सकती? आप ही सोचिए साहब, अगर कानून मुजरिम से नफरत करने लगेगा तो मुजरिम तो और भी बड़ा मुजरिम बन जाएगा। साहब सोनू को नफरत की नहीं, थोड़े से प्यार की, थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ा अपनापन चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ साहब, मैं अपने सोनू को जरूर सुधार दूंगी। छोड़ दीजिए ना साहब। ये गहने उठा लो। क्यों साहब, ये गहने सोनू की जमानत के लिए कम है? नहीं, सोनू की जमानत के लिए अब तुम्हारे विश्वास भरे बोल और बहते हुए नासों की बूंदे काफी हैं। हवालदार नामदार। सर सोनू को छोड़ दो। यस सर। जब तू मेरे कहने से चंडीदास का साथ छोड़ के उसे दुश्मनी ले सकता है तो क्या ये शराब में छोड़ सकता, दंगा फसाद नहीं छोड़ सकता? अरे कब तक कमाता रहेगा पाप की रोटी, कब तक चलाता रहेगा बेइज्जती का धंधा? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिसे दुनिया तुझे इज्जत की नजर से देखे? इज्जत? सोनू
कल हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या वो भी तुझे जेल जाकर छुड़ाते रहेंगे? सोनू, मेरी बात मान, छोड़ दे ये शराब, छोड़ दे ये धंधा, और किसी के लिए ना सही, अपनी राधा के लिए, सिर्फ मेरे लिए। ये हर वक्त लेक्चर देती रहती है। अरे जॉन नारंगी, काहे को उस इंस्पेक्टर का नाम इस दारू के अड्डे पर लेता है, जिसने सोनू जैसे शेर को अंदर कर दिया, अपुन जैसे चूहों को तो बिल में घुसा देगा। ये नारंगी, तेरे को मालूम नहीं सोनू का सीना संदूक के माफी का है, उसको जेल में ज्यादा दिन रहने का पसंद नहीं, समझा क्या? वो जैसे भागेगा ना, वो इंस्पेक्टर को सब बतलाएगा ऐसे। अरे सोनू को तो कहीं जेल के पिंजरे से बाहर आने दे, वो इंस्पेक्टर की दुनिया में तूफान लगा देगा, उसकी दुनिया हिला हिला के। अपन सोनू की ताकत को अभी भी सलाम मारते हैं। सलाम के दिन गए खोपड़ी, अब कहेगा सलाम? अरे सोनू कैसा है तेरा टाल? अभी हिलता ही ना? हाँ हिलेगा, ताकत सोनू की कभी नहीं बोलने का, समझा? बैठ। आखिरी वार्निंग देने के बावजूद तुम लोग अपने गैर कानूनी धंधे पिछले दरवाजे से चला रहे हो, ये भूलकर भी कि कानून किसी भी दरवाजे से आ सकता है। हवाला नामदार। यस सर। इन लफंगों की मूछे और सर के बाल मुंडा दो। यस सर। ये तो आपकी जाती है इंस्पेक्टर साहब। इस कमीने से शुरू करो। यस सर। हो गया मैदान सफा चट, अब दूसरे की बारी है। नंबर टू आ जा लाइन में बेटा। क्या पगडंडियां निखरी हैं? बेचारी जुएं बेघर हो गई। खिल गया बेटा। तबले महाराज की जय। बजा तबला, बजा तबला। चल बे। बज गई तेरी भी घंटी। उधर भी बजी है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर रवि। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जूहू लेन से गीता बोल रही हूँ। यहाँ यहाँ गजब हो गया है। क्यों, अब तुम्हारी जगह मोहल्ले वालों ने गाना शुरू कर दिया क्या? जी नहीं, मेरे यहाँ चोरी हो गई, मेरे यहाँ चोरी हो गई, चोर अंदर छुपा हुआ है, खून भी हो सकता है। जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज। छोड़ दो मुझे, कमीने, छोड़ दो मुझे। चाबी निकाल, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या मुझे? चिल्ला कर रही हूँ, कहाँ है चोर, किसने चलाई गोली? चाबी निकालते हो कि नहीं? ये ले लो, चाबी ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये क्या मजाक है? चोरी। ओफ़। कैसे तुम थानेदार आए बिन हथियार?
रात बहुत बाकी है। तुम्हारा पकड़ने की जगह तुम खुद सो गया, घर में खटिया नहीं है क्या? नमस्ते साहब। नमस्ते माँ जी। नए घर के साथ साथ नया ईमानदार, वफादार, हिम्मतदार, हवलदार, नामदार भी मुबारक। नामदार बड़बड़ कम, काम ज्यादा। चलो सामान निकालो। बेटे जो जबान के बड़बड़े होते हैं ना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। 100% करेक्ट, माँ जी की बात शत प्रतिशत। नामदार सर। ओ सामान भूल जाता है, भूल जाता है, काम की बात भूल जाता है नामदार। चल 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 चल, ए भाई अंदर उठा। ये है हमारा, हमें सरकार से मिला हुआ मकान। ये रहा लिविंग रूम, वो है डाइनिंग रूम, उसके पीछे तुम्हारा किचन, और वो रहा तुम्हारा पूजा का रूम, और ऊपर हैं हम दोनों के रहने के कमरे। हाँ बेटे, सब कुछ तो है इस घर में, लेकिन सिर्फ एक कमी है। कमी? वो क्या माँ? इस घर को सजाने वाले की, तुझे संभालने वाले की, मेरी बहू की। बेटे करेक्ट, 100% करेक्ट, माँ जी ने बिल्कुल सत्य कहा साहब, शत प्रतिशत सत्य। हवालदार नामदार, अता नहीं बोलना, अब नहीं बोलूंगा, पकड़ा। सच तो कह रहा है वो, जब तू शहर की भीड़ से चोरों को ढूंढ लेता है तो क्या मेरे लिए एक बहू नहीं ढूंढ सकता? माँ मैं किसी फैशन सेंटर में नहीं, पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ, जहाँ दिन रात फोन पर सिर्फ फरियादों की घंटियां बजती रहती हैं। इंस्पेक्टर रवि कपूर, हमने तुम्हें इस शहर में दोबारा कदम रखने दिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपना जूता हमारे सर पर रखने की कोशिश करो। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। मिस्टर चंडीदास खुराना, मैं अगर चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी खोखली चेतावनी सुनने से पहले इस बदतमीजी के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। हमारे आदमियों के सर और मूंछे मूंड देने से ये मत समझना कि तुमने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। मैदान तो मैं उस दिन मारूंगा जिस दिन तुम्हारे गुनाह के सारे सबूत मेरे हाथ लग जाएंगे, फिर देखना किस तरह मैं तुम पर कानूनी तलवार का वार करूंगा। ये धमकी वाला डायलॉग तो हम बहुत बरसों से कई इंस्पेक्टरों के मुंह से सुनते आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आज तक वो तलवार बनी नहीं जिसकी धार मुझ पर वार कर सके। वो तलवार भी बन चुकी है और उसकी धार भी लग चुकी है मिस्टर खुराना, अब तो सिर्फ वार की कमी है, वो भी चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। जिनके घर रेत के किनारे पर होते हैं इंस्पेक्टर, उन्हें समुंदर से टकराने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। और याद रखना, हमारा नाम है चंडीदास खुराना, और हमसे टकराने वालों को मिटाना हमारा उसूल है पुराना। जाने से पहले मेरा उसूल भी सुनते जाओ चंडीदास खुराना। जो लोग कानून के समुंदर में जुल्म की कश्ती चलाने की कोशिश करते हैं, हम कानून वाले उस कश्ती को समुंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डुबो देते हैं। रही बात मिटाने की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस वक्त का इंतजार मैं भी करूंगा इंस्पेक्टर। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? मैं ये कहने आया हूं इंस्पेक्टर कि कल मैं क्लब खोल रहा हूं। तुम्हारा क्लब मैं बंद कर चुका हूं और वो बंद ही रहेगा। मैं वहां नहीं था इसलिए क्लब बंद करवा दिए। कल क्लब खोल रहा हूं
हिम्मत है तो आ जाना। फैसला होकर रहेगा, या क्लब चलेगा या इंस्पेक्टर तुम यहां से तब्दीली करवाकर चले जाओगे। ठीक है, इस बात का भी फैसला कल हो जाएगा। छोटू, रवि और सोनू के इस झगड़े का फायदा हम उठाएंगे। हाँ बड़े भाई, रास्ता कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर रवि तो खत्म होगा ही, उसके साथ साथ सोनू भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? गुरबचन, हमारा नाम है चंडीदास खुराना, और अपने दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। अरे नारंगी पचरेंगे, मैं बोले करना, भूचाल मच जाएगा जब अपना सोनू बाहर आएगा तब। अरे वो इंस्पेक्टर की तो खटिया खड़ी हो जाएगी और बिस्तर गोल गोल, समझा क्या? ठहरो, कोई क्लब से बाहर नहीं जाएगा, आज मजा आएगा मुकाबले का। बहुत बोलता है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी ताकत पर, आज फैसला करके ही जाऊंगा। वो तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है वो? रवि बेटा, सर, आर यू ऑल राइट? क्या आप पर इस जानलेवा हमले में सोनू का कोई हाथ है? नहीं इंस्पेक्टर वर्मा, इस हादसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसने तो मेरी जान बचाई है। यस इंस्पेक्टर, मिस्टर रवि कपूर ठीक कह रहे हैं, अगर ये इन्हें यहां लाने में जरा भी देर कर देते तो शायद बहुत देर हो जाती। रवि? हाँ मां, इस सोनू ने ही मेरी जान बचाई है। बेटे, बेटे, भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, भगवान तुझे सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे बेटे।
सुनो, आज मैंने तुम्हारे अंदर बसे हुए एक अच्छे इंसान को देख लिया है। अगर तुम अपनी ताकत, अपने इस रूप को लोगों को बुराइयों से बचाने और संभालने में लगा दो तो इंसानियत की दुनिया में वो इंसान बन सकते हो जिसके इंसान होने पर हर इंसान को गर्व होगा। सुनो, आज मैंने तुम्हारे अंदर बसे हुए एक अच्छे इंसान को देख लिया है। अगर तुम अपनी ताकत, अपने इस रूप को लोगों को बुराइयों से बचाने और संभालने में लगा दो तो इंसानियत की दुनिया में वो इंसान बन सकते हो जिसके इंसान होने पर हर इंसान को गर्व होगा। अरे कब तक कमाता रहेगा पाप की रोटी, कब तक चलाता रहेगा बेइज्जती का धंधा? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिसे दुनिया तुझे इज्जत की नजर से देखे? छोड़ दे ये शराब, छोड़ दे ये धंधा, छोड़ दे ये। क्या बकता है तू? बकता नहीं, बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ ये मेरे भेजे में भी नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने देखा वो सपना है या हकीकत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तू देखेगी ना तेरी आंखें जरूर चकाचौंध हो जाएंगी, पागल हो जाएगी तू। देखना चाहती है? चल मेरे साथ। सोनू, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? राधा रानी, ये वही सपना है जो तूने देखा था। ओ सोनू, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाय राधा, ये क्या कर दिया, मेरा तो सब कुछ हिलने लगा। Thank you.
हॉस्पिटल गई थी, पता चला तुम्हें वहां से छुट्टी मिल गई, इसलिए मिलने यहाँ चली आई। कैसे हो तुम? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अब तुम जाओ, कहीं माँ आ गई ना तो तबीयत एकदम बिगड़ जाएगी, कहेगी ये बाहर वाली लड़की घर के अंदर कैसे आ गई। अरे आज तो बाहर वाली बनकर आई हूँ, थोड़े दिन के बाद देखना घर वाली बनकर आऊंगी। क्या तुम और मेरी घर वाली? एमएम साहब, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? इस घर की बहू बनने की बात तुमने सोची कैसे? मैं एक इज्जतदार पुलिस ऑफिसर हूँ, बेहूदगी और बेशर्मी का सौदागर नहीं, समझी? अपनी गलत फहमियों को अपने साथ लेकर चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। देख क्या रही है, आई से गेट आउट। I'm sorry, इंस्पेक्टर साहब, बाकी ये मेरी गलती है जो आपकी मुस्कुराहट को अपना दिल दे बैठी, आपकी हमदर्दी को आपकी चाहत समझ बैठी। मुझे माफ कर दीजिए, I'm very sorry। ए लगता है तुम्हें सिर्फ मजाक करना आता है, मजाक समझना या उसे बर्दाश्त करना नहीं। अरे मैं तो तुम्हारी प्रेम परीक्षा ले रहा था कि तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो या हमेशा की तरह आज भी प्यार का नाटक कर रही हो। क्या क्या तुम सचमुच मजाक कर रहे थे? यकीन नहीं आता तो दिल की धड़कनों से पूछ कर देख लो। ए, अब मैं जितेंद्र नहीं लगता? बेटा रवि। माँ, ये वो है, वो हाँ वो ये फूल लेकर आई है। क्या है कि मैं हॉस्पिटल से घर आ गया ना तो ये भी आ जाएगी। बेटे ये भी घर आ जाएगी, बड़ा इंस्पेक्टर बना फिरता है। लेकिन तेरी ये चोरी मुझे पसंद आई। हवालदार नामदार, हवालदार नामदार। यस सर, सर ड्यूटी पर सोते? यस सर, दरअसल सर आजकल काम ही क्या रह गया है, जब से आपने उन गुंडों की दाढ़ी मूछे काटी हैं, लगता है शहर से जुर्म के पांव ही उखड़ गए। यहाँ उनकी मूछे ओढ़ी, वहां उन्होंने इज्जत और शराफत की दुकानें खोली। किसी ने साइकिल की दुकान, किसी ने नान की दुकान, किसी ने पान की दुकान, किसी ने दशहरी आम की दुकान, और सर दो गुंडों को तो मैंने गाड़ी में तरकारी सब्जी बेचते हुए देखा। ₹5 किलो। ये अच्छी बात है कि वो लोग सुधर गए जो चंडीदास के किराए के टट्टू थे, मगर हमें उस जड़ को उखाड़ फेंकना है जिसका नाम है चंडीदास खुराना। जब तक मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर लेता मेरा काम अधूरा है। कौन है भाई? कैरेज का वक्त खत्म हो चुका है। दो दिन ईमानदारी के नाम पर पसीना क्या बहा लिया कि खून बहाने वाले दोस्त की आवाज तक भूल गए। चंडीदास, सोनू कभी तुम्हारे लिए काम करता था इस बात को भूल जाओ, और एक बात सुन ले, सोनू को उसके गुजरे हुए रास्ते पर ले जाने वाले दोस्त आज उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोनू, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है पैसा, और सबसे बड़ी दुश्मन है भूख। इतना बड़ा काम लेकर आया हूं
आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। एक बात सुन ले चंडीदास, सोनू जो रास्ता छोड़ चुका है उसे दोबारा उस रास्ते पर घसीटने की कोशिश की तो मैं तुझे शमशान तक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो सोनू, जीने के लिए सिर्फ खोखली बातों की नहीं ढेर सारी दौलत की जरूरत होती है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी होगी तो रहने के लिए अच्छा सा घर है तुम्हारे पास, कल बच्चे होंगे उन्हें तालीम देने के लिए ताकत है तुम्हारे पास, क्या वो भी इसी तरह गैरेज में काम करेंगे? आखिर ये गैरेज तुम्हें क्या देगा, दो वक्त की रोटी और दो जोड़ कपड़े? देखो सोनू, इस दुनिया में हर कामयाब आदमी ने बड़ा बनने से पहले एक ना एक बुरा काम ऐसा जरूर किया है जिसे करने के बाद उसे फिर कभी बुरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। चंडीदास, बुराई के जो रास्ते मैं छोड़ चुका हूं दोबारा उन पर चलने के लिए कभी मत कहना। नहीं सोनू, मुझे समझने की कोशिश करो, बस मेरा एक आखिरी काम और कर दो। कौन सा काम? मेरा माल से भरा हुआ ट्रक चेक नाके से निकालकर मेरे गोडाउन तक सिर्फ तुम ही पहुंचा सकते हो, क्योंकि उस चेक नाके पर ड्यूटी तुम्हारे दोस्त रवि कपूर की है। मुझे मेरा माल मिल जाएगा और तुम्हें इतनी दौलत कि जिंदगी भर ऐशो आराम करोगे। ठीक है, लगता है ईमानदार बनने से पहले बेईमानी का यह काम करना ही पड़ेगा। सेठ जी, जो आप कहते हैं वो मैं करूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार। ट्रक रोको। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इमरजेंसी चेकिंग है, ट्रक की तलाशी लेनी पड़ेगी। पर मेरा ट्रक तो खाली है, देख लीजिए आप। हवलदार, तलाशी लो। अरे सोनू, तुम अपना गैरेज छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो जी दहिसर पुल के पास मेरे एक दोस्त का ट्रक खराब हो गया है, 6 घंटे से वहीं खड़ा हुआ है जी। जल्दी में हो? हाँ जी हाँ। इंस्पेक्टर, ट्रक को जाने दो। मगर सर तलाशी। इंस्पेक्टर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ट्रक को जाने दो। ओके सर। हवलदार, चलो जीप को पीछे लो। आइए सोनू साहब, तुम्हारे इस आखिरी कारनामे पर हम तुम्हें ऐसी सलामी देंगे जो आज तक परमवीर चक्र मिलने पर किसी सिपाही को ना मिली हो। क्या कहना चाहते हो तुम? इस ट्रक में जो तुम हमारा सोना लाए हो वो 6 करोड़ का है, और तुम्हारे इनाम में हमारे उस आदमी के हाथ में जो बंदूक है उसमें गोलियां भी सिर्फ 6 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ का इनाम 1 गोली और 6 करोड़ का इनाम सिर्फ 6 गोली। तो गंदे जमीर का कोड आखिर जिस्म पर फूट ही पड़ा, आ गए असलियत पर। हम इसे मौत का फरिश्ता कहते हैं सोनू साहब, इसके निशाने से ना आज तुम बचोगे और ना कल इंस्पेक्टर रवि। अबे ओ चंडो, ये मक्कारी है तेरी, धोखेबाजी है। तुमने तो कहा था कि अपना काम निकालने के लिए और तुम्हें फंसाने के लिए हमने सपना दिखाया था तुम्हें। सपनों की दुनिया में जीने वाले हकीकत में मारे जाते हैं सोनू साहब। किसी ने सच ही कहा है कि शक्तिमान पहलवान की खोपड़ी में बुद्धिमान दिमाग नहीं होता, और जिसके पास दिमाग नहीं होता वो ऐसे मौके पर बिन मौत मारा जाता है। दुर्वचन, दिखाओ अपने निशाने का कमाल। तो इंस्पेक्टर, हवालदार नामदार। यस सर। गिरफ्तार कर लो सबको। यस सर। सिपाहियों कूद पड़ो, हमला। क्यों चंडू चंडाल,
इसे कहते हैं शक्तिमान पहलवान का बुद्धिमान दिमाग। और जब किसी की बुद्धि जरूरत से ज्यादा काम करने लगे ना, वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। सोनू ठीक कह रहा है चंडीदास, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान भी इसी पहलवानी खोपड़ी का है। सिर्फ ये पिस्तौल हमारी है। इंस्पेक्टर रवि, इस दुश्मनी का अंजाम जानते हो तुम? धन पर वर्दी, सर पर कफन बांधने वाले अंजाम से नहीं, बल्कि अंजाम उनसे डरा करता है। मिस्टर चंडीदास और शक्तिदास, तुम दोनों के खेल खत्म हो चुके हैं। यू ऑल अंडर अरेस्ट। एडवोकेट गुप्ता, कार्रवाई शुरू कीजिए। इंस्पेक्टर रवि का बयान, सोनू की गवाही, मौके वारदात पर 6 करोड़ का सोना और गोडाउन से 20 करोड़ की हीरोइन का पकड़ा जाना, पर गोडाउन के मालिक चंडीदास का मौजूद होना इस बात को जाहिर करता है कि चंडीदास खुराना एक देशद्रोही पेशावर मुजरिम है। विक्रांत, शक्ति और सांगा भी मुजरिम और देशद्रोही हैं। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चंडीदास खुराना, शक्तिदास खुराना, सांगा और विक्रांत वर्मा को मुजरिम मानते हुए 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। साहब, अरे कहां गए साहब? अरे साहब, आपने तो कमाल कर दिया। लगता है आपके हाथ के नीचे काम करते करते मैं भी 2 फीते से 3 फीते वाला बन जाऊंगा। 100%। अबे ओ घन चक्कर, ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं, 100% करेक्ट है, 100% सत्य। ऊपर से चिट्ठी आई है आपकी तरक्की की, आपको मिलने वाले इनाम की। क्या? हाँ साहब, चंडीदास एंड पार्टी को आपने जेल में सरकारी मेहमान बनाकर चक्की पीसने और रोटियां खिलाने का जो प्रबंध किया है, इसमें सरकार ने आपकी बहादुरी से खुश होकर आपको गोल्ड मेडल दिया है, सोने का बिल्ला। माँ, सुन लिया बेटे, ये सब तेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा है। नहीं माँ, ये सब तेरा आशीर्वाद है। बेटे, अब तू शादी कर ले और गीता को मेरी बहू बनाकर घर ले आ। अब माँ वो भी आ जाएगी, इस घर में शहनाइयां भी बजेंगी और शादियां भी होंगी। शादियां? हाँ माँ, एक नहीं दो। दो दो शादियां? दो दो शादियां। 100%? 100% नहीं, 100% सत्य। सिंदूरी बंधन जुड़ा सातों जन्म मिलकर ये वादा किया।
संडे नहीं है। संडे नहीं है तो क्या हुआ, आज संडे बना लेते हैं। अरे बाबा आज गुरुवार है, संजू को स्कूल छोड़ने की बारी आज तुम्हारी है। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। उठो ना। और मुझे याद है डैडी, एंड योर यूनिफॉर्म इज रेडी। अच्छा बच्चू, मेरी सजा बहुत याद रखता है। अब आप भी रेडी हो जाइए डैडी, दोनों अंकल भी तैयार हो गए होंगे। मुन्ने की अम्मा, अरे ओ राधा रानी धर्म पत्नी, अरे मुन्ने को तो रोज तैयार करती है, कभी कभी मुझे भी तैयार कर दिया करना। क्या है? आओ जी, ये वह बटन बटन नहीं बंद हो रहा। इतने बड़े हो गए हो, एक बटन बंद करना नहीं आता। देख रहे हो ऊपर वाले, एक वक्त था सारा मोहल्ला सोनू से कामता था,
और आज ये हम पे चढ़ी जा रही है। ठीक है, सोनू तो है नौकर बीवी का और सोनू तो है नौकर बीवी का। और फौरन तैयार हो जाओ। सुनो, बेटे के बाद बिटिया चाहिए क्या? तुम तो हमेशा उल्टा सीधा सोचते रहते हो। इसमें उल्टे सीधे की क्या बात, सिद्धा तो है, हम दो हमारे दो, बीवी रहे टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप लगाओ और मुन्ने को स्कूल छोड़ के आओ। आज मुन्ने को स्कूल छोड़ने की बारी मेरी है क्या? जी हाँ, सोम मंगल बुध इसे स्कूल छोड़ने की ड्यूटी मेरी है और गुरुवार शुक्रवार आपकी। आज गुरुवार है डैडी। वाह गुरु, तुझे भी याद है, चड्डी पहनी है ना? हाँ डैडी। तो आजा फिर। डैडी डैडी जल्दी चलो, नहीं तो रवि अंकल की जीप आगे निकल जाएगी। अरे कैसे चली जाएगी बेटे, तेरे डैडी का मोटरसाइकिल जंबो जेट से भी तेज चलता है। कैसे चलता है? ये कमबख्त गुरबचन हमें लेने नहीं आया। वेलकम खुराना साहब, वेलकम। 7 साल की कैद के बाद 7 जन्मों की आजादी मुबारक हो। और तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी। आज अगर तुम ये वैन लेकर नहीं आते तो तुम कल अर्थी पे जाते, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और लापरवाह साथियों को खत्म करना हमारा असूल है पुराना। चलो। साहब आपको तो ये पता ही होगा कि अपने दुश्मन सोनू और इंस्पेक्टर रवि जो है ना, ऐसे जी रहे हैं जैसे जिस्म दो और आत्मा एक। हम अंदर बंद थे इसलिए वो कल तक परमात्मा की मर्जी से जीते रहे, पर आज से वो सिर्फ हमारी मर्जी से जिएंगे और हमारी मर्जी से मरेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। इंस्पेक्टर रवि कपूर, ये राजा महाराजा और नवाबों के जमाने के जेवरात हैं जो आप इस देश की संपत्ति हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में गिनी जाती है। हमें खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े विश्वास के साथ इस जिम्मेदारी के लिए तुम्हें इंचार्ज बनाया है। सर, हमारा खानदान वफादार जाबाज सिपाहियों का खानदान रहा है, देश की जमानत की हिफाजत में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। गुड, इन जेवरात की कल से नुमाइश शुरू हो जाएगी, तमाम दुनिया से बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम्हारा बंदोबस्त हो चुका है ना? सर, मैंने बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया है। इस नुमाइश घर के बाहर 150 कांस्टेबल बंदूकों के साथ, 15 जीपें, 10 वायरलेस 24 घंटे तैयार रहेंगे। आइए, इस नुमाइश में आने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है और जाने के लिए भी यही एक दरवाजा। गुड, जैसे ही कोई यहाँ दाखिल होने के लिए कदम रखेगा तो इस कारपेट के नीचे छुपा हुआ इलेक्ट्रिक बटन दब जाएगा जिससे उस कैमरे में तस्वीर आ जाएगी। और सर, ऐसे 25 कैमरे इन दीवारों में छुपे हुए हैं। चलिए मैं आपको गार्ड रूम दिखाता हूँ। आइए सर, यह है गार्ड रूम, बैठो। कोई भी शख्स उन जेवरात तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा और यहाँ पर बैठा गार्ड टीवी पर उस आदमी की शक्ल देखकर हॉटलाइन पर वहां के गार्ड को खबर कर देगा। अगर कोई लुटेरा इन जेवरात को छूने की कोशिश करेगा, जैसे वो 1 फीट के फासले से गुजरेगा चारों तरफ अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रिक वेव्स जलकर सुर्ख हो जाएंगे और वो आदमी उसी में गिरकर कैद हो जाएगा। सर, आदमी तो क्या, अब तो शैतान भी इन जेवरात के नजदीक नहीं पहुंच सकता। और जहां शैतान नहीं पहुंच पाता वहां चंडीदास खुराना पहुंच जाता है। इसे कहते हैं तकदीर की यारी और किस्मत के खेल। ऊपर वाले ने हमें हमारे बदले की वसूली का मौका दे दिया है और वो भी सूद के साथ। करोड़ों के हीरे जवाहरात अब हमारी
मुट्ठी में होंगे। लेकिन बड़े भाई, वो हीरे जावरात हासिल करने के लिए हमें उस कुत्ते के साथ लड़ना होगा जो भोंगता भी है और काटता भी है। उसका नाम है रवि कपूर, जो उस एग्जीबिशन का इंचार्ज भी है और हमारा दुश्मन भी। छोटू, वो दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा और नई नई दोस्ती के तोहफे में हमें पेश करेगा उस म्यूजियम के सारे हीरे और जवाहरात। लेकिन खुराना साहब, रवि कपूर दोस्ती करेगा वो भी हमसे? हाँ विक्रांत, वो दोस्ती भी करेगा और हीरे जवाहरात भी लाएगा। लेकिन बड़े भाई, ये सब होगा कैसे? होगा ऐसे, हम अपनी बुद्धिमान खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो दोनों हरामजादे रवि और सोनू जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। जोर लगा के हाथ उठा के, अरे कौन है? अरे मुन्ना, तू पैर छू रहा? अरे आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ डैडी। पहलवान बनेगा मेरा बेटा है? हाँ हाँ, बनाओ उसे भी पहलवान। आजा मेरी डंपली, आजा, तुझे भी घुमाता हूँ थोड़ी, ताकि तुम्हारे बीते हुए कल की तरह ये अपने आने वाले कल में मारपीट करता रहे। ओ मेरी मारुति गाड़ी, हमेशा चौथे गियर में मत रहा कर, कभी कभी नीचे वाला भी लगा लिया करो। इसने मेरे पैर छू लिया और मैंने इसको आशीर्वाद दिया और कह दिया तुझे पहलवान बना। कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? अरे इसने पैर इसलिए छुए क्योंकि आज इसका जन्मदिन है। इसका जन्मदिन है? अरे मेरे मेरे बेटे, मैं अभी एक वो शेर बोलता हूँ, तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिनों 50,000 हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी। क्या अगर इसका जन्मदिन आज मैं भूल गया तो? हाँ हाँ, आज तो इसका जन्मदिन भूल गए, कल को तुम मुझे भी भूल जाओगे। हो सकता है अगर हमें दो चार ऐसे प्यारे प्यारे खिलौने मिल गए तो हम भूल जाएंगे। नहीं डैडी, मुझे दो चार नहीं, मुझे एक ही खिलौना चाहिए। एक ही चाहिए? सुना आपने, एक ही चाहिए। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें वो गुड्डा चाहिए या गुड़िया चाहिए? मुझे गुड्डा गुड्डी वाला खिलौना नहीं चाहिए, मुझे पिस्तौल वाला खिलौना चाहिए। पिस्तौल वाला खिलौना इस फैक्ट्री में नहीं बनता है, फिर भी हम अपने बेटे के लिए पिस्तौल लाएंगे। अच्छा जी एक बात बताएंगे, आप हम पर तो राशन लेकर चढ़ जाती हैं, आपको मालूम था कि आज इसका बर्थडे है, आपने आज घर क्यों नहीं सजाया? आज घर नहीं सजेगा। क्यों जी? क्योंकि आज इसका जन्मदिन रवि भैया के यहाँ मनाया जाएगा। अरे राधा रानी बड़ी सियानी है, खर्चा बचारी, अच्छा किया अच्छा किया। डैडी डैडी, इस बार आप मेरी पिस्तौल लाना मत भूलिएगा। अरे बेटे, शाम को जब तू स्कूल से लौटेगा ना, मेज पर तेरी पिस्तौल रखी होगी बड़ी सी। ढेशुं ढेशुं प्रॉमिस। ओए प्रॉमिस पुत्र। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे वाह, तैयारी तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। ऐसे ही होगा, पिछले साल आपने और सोनू ने मिलकर हमारे संजय और मुन्ना की सालगिरह पर कुछ कम धूम मचाई थी, इस साल हंगामा करने की बारी हमारी है। देखना भाभी, इस साल के जन्मदिन को सब लोग हमेशा याद रखेंगे। वो तो याद करेंगे ही, पर इस सालगिरह की तैयारी में गीता संजू को स्कूल के लिए तैयार करना तो नहीं भूल गई? अरे कैसे भूल सकती हूँ, संजू तैयार है। मुन्ना कहाँ है? बाहर रिक्शा में। चलो बेटा, नहीं तो स्कूल में देर हो जाएगी। अच्छा रवि भैया, शाम को मिलेंगे। जी हाँ। बाय डैडी। अच्छा बेटा, बाय बाय गीता। बाय। लड़के जिन्हें यहां से उठाना है। अरे आज तुम्हारे स्कूल में क्या है? मम्मी मम्मी, आज बहुत बड़ा फंक्शन है ना हमारे स्कूल में, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है हम दोनों की सालगिरह का। अच्छा चलो अपनी क्लास में जाओ। मम्मी आज मेरी फीस भरना ना भूलना। नहीं बेटे नहीं भूलूंगी, अब जाओ अपनी क्लास में। अरे मुन्ना कितना अच्छा कंपोज बॉक्स है, दिखा मुझे। ये
देख इसको यूं खोलते। राधा भाभी कैसी हैं? वो डॉक्टर साहब, राधा कैसी है? आपकी पत्नी को गहरी दिमागी चोट पहुंची है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर। सर, वो गाड़ी पकड़ी गई है। और बच्चे? जी, बच्चे और गुंडों का पता नहीं चला सर। अब आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, उनको बच्चों के बारे में कुछ न बताइएगा, क्योंकि एक हल्का सा सदमा भी उनकी जान ले सकता है। हाँ। संजू मिले? हाँ भाभी, दोनों मिल गए और पुलिस ने उन गुंडों को भी पकड़ लिया। कहाँ है मेरे बच्चे? वो दोनों घर पर हैं। आज उनका जन्मदिन है, भूल गया था। अरे 5 बज गए हैं, वो लोग ठीक 5 बजे केक काटते हैं। आप लोग जाइए ना। सुनो, मुन्ने को ब्लू टी शर्ट और काली पैंट पहनाना जो मिलाई थी। हाँ राधा, वही कपड़े पहनाऊंगा। तू फिक्र मत कर, हम दोनों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। घर चलें राधा, चलते हैं हम लोग। मुझे पिस्तौल वाला खिलौना चाहिए। डैडी डैडी, इस बार आप मेरी पिस्तौल लाना मत भूलिएगा। अरे बेटे, शाम को जब तू स्कूल से लौटेगा ना, मेज पर तेरी पिस्तौल रखी होगी, बड़ी सी। ढेशूं ढेशूं। प्रॉमिस? और प्रॉमिस पुत्र।
डैडी। हाँ बेटे। कहानी सुनाओ ना। सो जा बेटे, मम्मी डांटेगी। मम्मी तो सो गई है, सुनाओ ना डैडी। जब तक आप कहानी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती। संजू, जब तक डैडी मुझे कहानी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती। तू घबरा मत, तेरे और मेरे डैडी यहाँ जरूर आएंगे। और फिर मेरे डैडी तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन सब गुंडों को तो मार मार के इनका कचुंबर बना देंगे। पर कब आएंगे डैडी हमारे बिना? माँ बहुत रोती है ना संजू। कैसा है नंदा, कैसा मनाया उसका बर्थडे? बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत सारे लोग आए थे। उसे वही टी शर्ट पहनाई थी ना? हाँ वही जो तुमने कही थी ना, वही पहनाई थी। उसे मेरी कमी तो महसूस नहीं हुई थी। कमी तो महसूस हो रही थी उसे भी और मुझे भी। क्यों क्यों? तुम्हारे बगैर मैं भी तो अकेला हो गया था। राधा जल्दी से अच्छी हो जाओ ना, मैं मुन्ना को लेकर आऊंगा। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे मिलकर जाना, मैं उनसे मिल लेता हूं। कब तक झूठ बोलता रहूं, कब तक राधा के साथ ये नाटक खेलता रहूं, कब तक? सुनो, पुलिस चारों तरफ हवा की तरह फैली हुई है और वो दरिंदे इस फैली हुई हवा में आज तक जी रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सके। वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे सुनो, जरूर पकड़े जाएंगे। कब कब? कल जब राधा घर आएगी और मुन्ने के बारे में पूछेगी तो क्या कहूंगा उससे? कौन से कानून किस इंसाफ की बातों से समझाऊंगा उसे? मगर या अगर मगर छोड़ और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर कल सुबह तक मुन्ना और संजू मुझ तक नहीं पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि मैंने कभी अच्छाई का रास्ता अपनाया था और उन भेड़ियों की लाशें गिराता हुआ मैं मुन्ना और संजू तक खुद पहुंच जाऊंगा। सुनो 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 सुन। हेलो, मेरी आवाज तो पहचानते हो गए इंस्पेक्टर। तुम्हारी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता और तब तक भूलने भी नहीं दूंगा जब तक बच्चे मेरे कब्जे में हैं। तुम्हारी लंबी खामोशी बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है मेरे पास। एक तरफ पत्थर के चमकते हुए टुकड़े और दूसरी तरफ तुम्हारे जिगर के टुकड़े। क्या फैसला किया तुमने? मेरा फैसला अटल है, हीरे जवाहरात तुम्हें हरगिज नहीं मिलेंगे। चंडीदास खुराना का फैसला भी सुन लो। कल दोपहर के 2 बजे अगर तमाम हीरे जवाहरात लेकर तुम मड आइलैंड नहीं पहुंचे तो किसी को भेजकर समुंदर के किनारे से दोनों बच्चों की लाशें उठवा लेना। चंडीदास आवाज ऊंची मत करो इंस्पेक्टर, गला खराब हो जाएगा। याद रखना, कल दोपहर के ठीक 2 बजे मड आइलैंड। कहाँ है बच्चे? कहाँ है? तुम्हारे उतने नजदीक जितनी तुम्हारे दिल से धड़कन नजदीक है। सामने 3 बोट खड़ी हैं, बीच वाली बोट के अंदर तुम्हारी जान और जिगर के टुकड़े हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? ठहरो, बोल पट के साथ अब मैं तुम्हें चित्रपट दिखाता हूं। पापा, 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 पापा
इंस्पेक्टर, आप जुर्म से भरी हुई आत्मा शक्ति अपना माल लेकर इस बोट से तुम्हें उस बोट तक पहुंचाएगा और फिर तुम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर उसी बोट से इस किनारे तक पहुंचोगे, जिस तरह हम उस किनारे पर होंगे और तुम इस किनारे पर। कैसा लगा हमारा ये इंतजाम? ये इंतजाम तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी है। होशियारों से होशियारी नहीं, सिर्फ काम की बात करो। माल कहाँ है? अबे माल भी दूंगा और इस होशियारी का इनाम भी। एक सीटी तूने बजाई थी, अब एक सीटी मैं बजाता हूं। मिस्टर होशियार, तुम्हारे इंतजाम पर कैसा रहा हमारा ये इंतजाम? गिरफ्तार कर लो इस होशियार को। खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो, नहीं तो दोनों बच्चों को शमशान घाट पहुंचा दूंगा। ये लाइटा सिगरेट भी जलाता है और वक्त आने पर चिताएं भी। देखना चाहता है? देखा? कैसा लगा मेरा ये दूसरा इंतजाम? अब अगर तुमने या तुम्हारे किसी चमचेने को हरकत की तो बच्चों वाली बोट का भी यही अंजाम होगा। सिर्फ बच्चों वाली बोट बाकी है। अब अगर कोई अकलमंदी की तो मैं बच्चों वाली बोट को भी उड़ा दूंगा। बोट स्टार्ट करो। बाय बाय इंस्पेक्टर, अब सोच सौदा अधूरा रह गया। नेक्स्ट टाइम अपने चमचों को मत लेकर आना। कानून कानून कानून, क्या किया तुम्हारे कानून ने? हैं? बड़े छात्र बनने चले थे। मैं ये चाल चलूंगा, बच्चों को ले आऊंगा। मैंने कहा था मुझे जाने दो, मैं ले आऊंगा बच्चों को। तुम्हारी जिद और तुम्हारी इस गलत चाल ने बच्चों के सर पर नंगी तलवार टांग रखी है। हेलो, ये क्या कमीनापन है रवि? सौदेबाजी में धोखेबाजी? मेरे भाई को गोलियों के जख्म देकर हमसे मुफ्त में औलाद नाम की मरहम ले जाने आए थे? चंडीदास, खाक की वर्दी से टकराने वाले खाक में मिल जाएंगे। ए, खाक का रंग भी दिखाएंगे तुझे और राख का वजन भी बताएंगे तुझे, क्योंकि मेरा नाम है चंडीदास खुराना और अपने दुश्मनों को खत्म करना मेरा उसूल है पुराना। लाश किसका बच्चा है वो? ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो बच्चे किडनैप हुए हैं उनमें से किसी एक की है। रवि, किसका फोन था? मैं कहां जा रहे हो? सुनो तो, डेड बॉडी अंदर है।
रवि, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया रवि, मेरा मुन्ना भी गया, मेरी राधा भी चली गई। सोनू, रवि, मर गया तेरा सोनू, मर गया तेरा सोनू आज, और तेरे बताए हुए वो तमाम रास्ते आज इन चिताओं के साथ जल गए। इस वक्त मैं चलता हुआ बारूद हूं जो उन दरिंदों को जलाकर राख करेगा। हाँ सोनू, जलाए जाएंगे वो वैशी दरिंदे, फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे वो बेरहम कातिल, कानून की गोलियां उन्हें नहीं छोड़ेंगी। सुनो, नहीं, मुझे किसी कानून के सहारे की जरूरत नहीं है रवि। जब तक इन बेगुनाहों की मौत का बदला मैं अपने हाथों से नहीं ले लेता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस नफरत की आंधी के सामने अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। के मासूमों की चिता जलाकर प्रति फर्ज उसूल और आदर्श के नाम पे और कितनी बलि चढ़ाओगे रवि? अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी, इसी तरह पत्थर बने रहे तो इस घर की रोशनी छीन जाएगी, खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। आज आज भाभी और मुन्ना गए हैं, हो सकता है कल संजू गीता। क्यों
अपनी परछाई पर पांव पड़ा तो चिल्ला पड़े, क्या मुन्ना और भाभी की मौत का तुम्हें कोई दर्द नहीं? मैं इतना खुद गर्द नहीं हूं गीता, मेरे सीने में भी दर्द है, मगर उसी सीने पर वर्दी भी है और सरकार के दिए हुए सितारे भी। जब घर का चांद ही ना रहे तो उन पहचान सितारों का क्या करोगे? हाँ, छोड़ दो ये नौकरी, उतार दो वर्दी, मुंह मोड़ लो ऐसे फर्ज से जो फर्ज के नाम पर हमसे हमारी औलाद का खून मांग रहा है। बस करो गीता, बस करो। जब मुन्ना और भाभी की कुर्बानी देकर उन शैतानों के सामने नहीं झुका तो क्या अपनी औलाद की खातिर झुक जाऊं, तुम्हारे इन आंसू की खातिर टूट जाऊं? नहीं गीता, नहीं। अगर मैंने अपनी भाभी, अपना मुन्ना गवाया है तो अपनी औलाद को भी गवाने की ताकत रखता हूं। ये जानते हुए भी कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। देखो गीता, इस वक्त मुझे सहारा चाहिए, तुम्हारा सहारा। जिसके खुद जीने का सहारा छिन जाए वो बेसहारा किसी को क्या सहारा देगा? मुझे मेरा संजू ला दो, मुझे मेरा संजू ला दो, मुझे मेरा संजू ला दो, मुझे मेरा संजू ला दो। गीता बेटी, माँ जी मुझे संजू चाहिए। इन दोनों से मैंने वही सवाल पूछा था जो तुमसे पूछने वाला हूं। इन्होंने जबान बंद रखी, मैंने इनकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अब अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी की रस्सी मेरे हाथ में है। लेकिन मैं क्या क्या सुनता था? क्या किया है हरामजादे, तुमने क्या किया है? तू अच्छी तरह जानता है तुमने क्या किया है। संजू कहाँ है? और संजू कहाँ है? वो सांगा जानता है। सांगा कहाँ है? वो मुमताज के घर में मिलेगा। मुमताज के घर? सुन, मैं तो खून कर चुका हूँ, तीसरा खून करने जा रहा हूँ। अगर उस हरामजादे को मेरे वहां पहुंचने का पता चला मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पाताल में ढूंढ कर भी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, अरे बोल ना। मुमताज, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। क्या बात है डार्लिंग, तुम तो कह रहे थे कि आज की रात कयामत की होगी, फिर यह अमावस की कैसे हो गई? मुमताज, मुझे मजाक पसंद नहीं है, कहा ना मुझे जाना होगा। कच्चे राम साधे, पता संजू कहाँ है? Thank you.
घर में तो मातम की आवाजें भी मर चुकी हैं। इस उजड़े शमशान में क्या लेने आए हो तुम? सोनो, मुझे यहां उन चार लाशों ने भेजा है जिनका खून तुम्हारे माथे पर छलक रहा है। मैं जानता हूं सोनो कि वो लाशें और सांगा को जलाने वाली आग बारूद की नहीं थी बल्कि तुम्हारे बदले की थी। क्या तुम्हारी इन हरकतों से मुन्ना और भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तेरी भाभी की आत्मा को शांति मिले ना मिले, मुन्ना की आत्मा को शांति मिले ना मिले, लेकिन मैं उन दरिंदों की दुनिया में आग लगा दूंगा, अशांति फैला दूंगा मैं। जब तक मैं उनके खून से ये हाथ नहीं रंग लेता, मेरे अंदर दहकती हुई ज्वालामुखी ठंडी नहीं होगी। लेकिन जरा सोच सुनो। क्या सोचो रे? तू जानता नहीं मुझे अपनी बीबी से कितना प्यार था, अपने बेटे से कितना प्यार था मुझे। वो चले गए, मेरी दुनिया तबाह हो गई, मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए, और तू कहता मैं सोचूं? तो क्या इस तरह कानून तोड़ने से वो सपने फिर से जुड़ जाएंगे, मुन्ना और भाभी वापस आ जाएंगे? जानता है सोनू, खून की सजा कितनी भयानक है। तू जुर्म के उस रास्ते पर दौड़ रहा है जो जेल की सलाख ऊपर जाकर नहीं बल्कि फांसी के फंदे पर जाकर खत्म होता है। अरे फांसी के फंदे से कौन डरता है पागल? मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हाथों से दो दो चिताएं जलाई थी मैंने, और तूने क्या खोया है? खोया तो मैंने है ना, सिर्फ मैंने। क्यों? तेरा मुन्ना मेरे संजू जैसा नहीं था, तेरी बीवी मेरी भाभी नहीं थी? थी, जरूर थी, लेकिन अभी अब कुछ नहीं रहा। अगर तुम्हें इन रिश्तों का जरा भी पास होता तो आज ये वर्दी उतार कर इस जंग में तू मेरे साथ शामिल होता। इस वक्त सोनू तू होश में नहीं है, गुस्से और बदले की भावना ने तुझे बदहवास कर दिया है। इस बर्बादी का शिकार तू अकेला ही नहीं, मैं भी हूं, मेरा संजू भी है। अपने बच्चे की जिंदगी में मेरी सांसें भी उलझी हुई हैं, लेकिन जिन रास्तों पर तू चल रहा है वो सिर्फ तबाही फैलाते हैं, आग पीते हैं, आग उगलते हैं, जिस पर चलने वाला एक दिन खुद उसी आग में झुलस जाता है। शोले आग में झुलसा नहीं करते रवि, और इस नफरत की आग के जो मेरे सीने में दहक रही है वो दुश्मन को जलाकर राख कर देती है। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी का अंजाम क्या है, मौत। मैं इस मौत को सीने से लगा लूंगा, ये मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगी रवि। अगर तुम्हारा यही फैसला है सुनो तो एक बात साफ साफ सुन लो, इस जंग में तुम्हारा साथ मैं हरगिज नहीं दूंगा। मैं कानून को साथ लेकर चलने वाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। अब हमारी अगली मुलाकात एक दोस्त के रूप में नहीं होगी बल्कि एक गुनहगार और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में होगी। इंस्पेक्टर, बहुत बड़ा चैलेंज देकर जा रहे हो, एक छोटी सी बात मेरी भी सुनते जाओ। अब तुम कानून साथ लेकर चलना और मैं कानून हाथ में लेकर चलूंगा। और एक बात और याद रखना, अब तेरा टुकड़ा इस सोनू से नहीं उस सोनू दादा से होगा जिसके हाथ दुश्मन की गर्दन पर होंगे, जिसके जलते सीने में नफरत की आंधी होगी, और उस नफरत की आंधी को कानून तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकेगा। और इससे पहले कि वो आंधी हम पर बर्बादी का तूफान बनकर टूट पड़े, हमें उस आंधी के खात्मे का इंतजाम करना चाहिए। गुरबचन, कल से विक्रांत नहीं दिखा, कहां है वो? He-Man!
जेंटलमैन, कैलिटॉल विल किल यू। मुझे नहीं मालूम। मैं तुझे कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। छोड़ दे दोनों, मुझे संजू का खबर। जिन खुनियों के नाम तू इससे उगलवाना चाहता है वो नाम अब कानून उगलवाएगा। बोल, बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। मुझे जान से भी मार डालोगे तो भी मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सर, इसकी जमानत के लिए कोई आया है? इसे बंद कर दो, इसे मैं बाद में देखूंगा। यस, मैं एडवोकेट बंसीलाल हूं, विक्रांत की जमानत देने आया हूं। विक्रांत की जमानत किसी भी हालत में नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जाति दुश्मनी की वजह से किसी मुलजिम की जमानत कबूल करने से इनकार नहीं कर सकते। आपको विक्रांत सक्सेना को छोड़ना ही होगा। मिस्टर बंसीलाल, इस मामले में मुझसे बहस मत कीजिए। विक्रांत कानून की नजर में गुनहगार है और गुनहगार को मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मत छोड़िए, मैं उसे अदालत से छुड़वा लूंगा। मिस्टर बंसीलाल, आप कुछ भी कर लें लेकिन मैं विक्रांत को कोर्ट से भी नहीं छूटने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला अदालत करेगी। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर विक्रांत सक्सेना जानवरों की खालों के जाने माने इज्जतदार बिजनेसमैन हैं, जो सरकार को सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स भी देते हैं। इंस्पेक्टर रवि कपूर ने बगैर किसी सबूत के मेरे मुवक्किल को, एक इज्जतदार शहरी को बेइज्जत करने की कोशिश की। जज साहब, मुझे सिर्फ थोड़े वक्त की जरूरत है, मैं इसके मुजरिम होने का सबूत भी ले आऊंगा और गवाह भी। योर ऑनर, मेरे पास मेरे मुवक्किल के बेकसूर होने के तमाम सबूत इस फाइल में मौजूद है। एनसीजे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे 30 सितंबर को स्कूल से किडनैप हुए, जबकि उन दिनों मेरे मुवक्किल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अफ्रीका में थे। योर ऑनर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का फैसला ये आपके सामने रखी हुई फाइल करेगी, जिसमें मिस्टर विक्रांत का बंबई से नैरोबी जाने और आने का टिकट मौजूद है, इनका पासपोर्ट और उन तमाम होटलों के बिल जहां जहां मिस्टर विक्रांत ठहरे। योर ऑनर, इस बात से साफ जाहिर होता है कि इस केस में मेरे मुवक्किल का किसी तरह का कोई हाथ नहीं, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर विक्रांत सक्सेना को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, Your Honor. तमाम सबूत जो हमारे सामने मौजूद हैं, उससे ये जाहिर होता है कि मिस्टर विक्रांत सक्सेना निर्दोष हैं, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। इंस्पेक्टर रवि कपूर, आपने जज्बात में आकर एक इज्जतदार शहरी को सिर्फ शक की बुनियाद पर बेइज्जत करना चाहा। एक पुलिस ऑफिसर को जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए, लिहाजा अदालत आपको ताकीद करती है कि आइंदा जज्बात में आकर अदालत का कीमती वक्त जाया न किया जाए। सुन ली जजमेंट? बड़ी फड़े मारते थे मेरा कानून ये करेगा वो करेगा, क्या किया तुम्हारे कानून ने? यहां लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। अब रवि 24 घंटे में मैं उसे ठिकाने लगाऊंगा और देखता हूं तेरा कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे लाल ने तो छुट्टी कर दी।
मुझे देखते ही हंसी बंद हो गई तेरी। इस अदालत ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरी अदालत तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं 24 घंटे देता हूं तुझे, या भाग सकता तो भाग, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद मैं तेरी मौत की घंटी बजा दूंगा। हेलो विक्रांत। खुराना साहब, सब बंदोबस्त ठीक है ना? बंदोबस्त तो बहुत जबरदस्त कर चुका हूं खुराना साहब। मैंने अपने बंगले की चार दीवारी में बिजली का करंट डाला दिया है। सोनू मुझे मारने का ख्वाब लिए यहां जरूर आएगा, लेकिन इस चार दीवारी में दाखिल होते ही उस ख्वाब के साथ फन कर खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही होगा। विक्की लोमड़ी कितनी ही चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन शेर के पंजे का शिकार होना ही पड़ता। सोनू तुम? हाँ, मैं तेरी मौत, जिसने तुम्हें 24 घंटे जिंदा रहने की मोहलत दी थी, और 24 घंटे खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। तुम्हारा ये अरमान मरते दम तक पूरा नहीं होगा सोनू। जिस तरह ये 23 घंटे गुजर गए, उसी तरह ये कुछ मिनट भी गुजर जाएंगे। जरूर गुजरेंगे, लेकिन तेरी मौत बनकर। जरा अपने सोफे के नीचे देख, मौत तेरा इंतजार कर रही है। और छत की तरफ देख। दहल उठा दिल, सिर्फ ये दो बम ही नहीं, तेरे इस पूरे बंगले में मैंने बम लगा रखे हैं। मौत से भाग सकता है तो भाग, भाग कुत्ते। क्या हुआ विकी साहब? सोनू ने बंगले में चारों तरफ बम लगा दिए। चलो भागो यहां से। चलो भागो यहां से। गाड़ी स्टार्ट करते ही तेरे जिस्म की धज्जियां उड़ जाएंगी हरामजादे। बॉम्ब इसमें भी लगा हुआ है। तेरी मौत सोनू। विक्की, मौत पीछे नहीं सामने खड़ी है। हमारे बंगले में रखे हुए बॉम्ब नकली थे, अगर इस बंदूक में भरी हुई गोलियां असली हैं। सोनू नाम की कयामत को मुट्ठी में दबोच कर उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। वो है नन्नी मुन्नी सी जान, जिसे देखकर माओं की ममताएं मचल जाती हैं, पिताओं की आत्माएं निकल जाती हैं और कानून की चीखें भी। साहब, 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 आपके नाम से ये कैसेट पुलिस स्टेशन में फेंक कर चला गया। लगा? यस सर। हरामजादे, मेरे बच्चे, रो, मेरे संजू को बचा लीजिए, मेरे संजू को बचा लीजिए। देखिए ना, कितनी बेदर्दी से उसे मार रहे हैं। मेरे संजू को बचा लीजिए, वो लोग
हाँ मार ही डालूंगा तुम्हारे बच्चे को। उस सोनू के बेटे से ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा इसे। नहीं। देखना चाहते हो? छोड़ो। मेरे संजू को बचा लीजिए। संजू। संजू, मेरे बच्चे। इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी थी। कल उस मोहलत का आखिरी दिन है और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का भी। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 11 बजे वो सारे हीरे जवाहरात लेकर मनोरी बीच पर पहुंच जाना अकेले, और अगर नहीं पहुंचे तो समुंदर में तैरती अपनी बच्चे की लाश उठवा लेना। संजू, गीता, गीता, डॉक्टर रवि, फर्ज, देशभक्ति और इंसानियत पर तो इंसान को चलना ही चाहिए, पर कभी कभी उसे दिल और जज्बात की बात भी मान लेनी चाहिए। डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता कि तुम कानून से मुंह मोड़ लो, मगर तुम्हारी पत्नी की हालत देखते हुए एक फैमिली डॉक्टर से ज्यादा तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता भाभी की बीमारी की दवा अब सिर्फ संजू है, और मैं नहीं चाहता कि गीता भाभी का अंजाम भी राधा भाभी जैसा हो। रवि, फर्ज, देशभक्ति और इंसानियत पर तो इंसान को चलना ही चाहिए, पर कभी कभी उसे दिल और जज्बात की बात भी मान लेनी चाहिए। जब घर का चांद ही ना रहे तो बेचार सितारों का क्या करोगे? मुंह मोड़ लो ऐसे फर्ज से जो फर्ज के नाम पर हमसे हमारी औलाद का खून मांग रहा है। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 11 बजे वो सारे हीरे जवाहरात लेकर मनोरी बीच पर पहुंच जाना, और अगर नहीं पहुंचे तो समुंदर में तैरती अपने बच्चे की लाश उठवा लेना। जल्दी से बेटी अंदर ले चलो। मगर क्यों सर? हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग यहां पर हमला करने वाले हैं, और हमें ये तमाम जेवरात 1 घंटे के अंदर अंदर यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने होंगे। और इंस्पेक्टर वालिया, इमरजेंसी अलार्म और इलेक्ट्रिक वेस्ट बंद कर देना। लेकिन सर, हमें हेडक्वार्टर से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो मैं कहता हूँ वही करिए। राइट सर। जल्दी हवलदार साहब, चीप में से पेटियां उतरवा लो। चला चला। जल्दी से ये सारी ज्वेलरी इन बॉक्सों में भरो। चलो जल्दी करो। इंस्पेक्टर, तुम यहां से बच्चा ले जाओगे और मैं वहां से माल।
पापा, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर, लगता अब तक तुम्हारे दूध के दांत गिरे नहीं। तुम क्या हमें इतना बेवकूफ समझते हो कि तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा दे देंगे? कमीने, तू बेवकूफ पैदा हुआ था और बेवकूफ ही मरेगा। मैं तुझे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर। जेल में काटे हुए 7 सालों का हिसाब सूद के साथ वसूल करने की कसम खाई थी हमने। बदला है हीरे जवाहरात से भरे हुए इन बैगों में, और सूद है तुम्हारे बच्चे की लाश जो हम तुम्हें भेंग में देकर वसूल करेंगे। कमीने, मैं जानता था कि तू अपने कमीनेपन से बाज नहीं आएगा। शक्तिदास, मेरा नाम है रवि कपूर। सूद के साथ मुझसे बदला लेने के लिए तुझे एक नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे। अब जरा उन बैगों को खोल कर देख, तुझे पता चल जाएगा किसके दूध के दांत नहीं गिरे। तेरी औकात हीरे जवाहरात नहीं, ये जूते हैं। और तेरी औकात जिंदगी नहीं, मौत है इंस्पेक्टर। घूम डालो इस कमीने को। बेटा मेरे पास है इंस्पेक्टर। ये लोग मुझे मार डालेंगे पापा। पापा मुझे बचा लो। अगर तुम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। बेवकूफ, सुना ना है? अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। फेंक दो। पहली बार हमारा सौदा अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार हम पूरा करके ही जाएंगे। ये रही तुम्हारे बेटे की जिंदगी की सीढ़ी। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो शक्ति के साथ तुम भी हेलीकॉप्टर में आ जाओ। ये सोचने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, चुपचाप मेरे साथ चलो। पापा, आप भी चलिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। आते हो या इसे भून डालूं?
बांधो इसे। ससुर और सच्चाई के पुजारी को उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये सच ना उगल दे कि इसने हीरे कहां रखे हैं। ऐसे नहीं बोलेगा इंस्पेक्टर रवि, हम शैतान से भी खतरनाक शैतान हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे की वो हालत करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी अपने बेटे की लाश देखकर। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुमने नहीं बताया तो गोलियां मेरी होंगी और बच्चा तुम्हारा। एक, दो, चंडीदास, शक्ति, तुम दोनों ने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगाई है। इन दोनों को फौरन छोड़ दो वरना तुम्हारी इस नरक भूमि में आग ही आग नजर आएगी। पापा, छोड़ दो। खोल दो इसे भी। संजीव, पापा, मेरे बच्चा। पापा, पर तुम हो कौन? सोनू, तुम? हाँ, मैं चंडू, जिसकी हाथ की लकीरों में तुम वैश्यों की मौत लिखी है। सोनू, आज मैं तुम्हारे इस पाप की नगरी को जला के राख कर दूंगा। ये मेरे पास रिमोट कंट्रोल है और तुम्हारे इस खुफिया अड्डे के कोने कोने में मैंने बम लगा रखे। एक बटन दबाऊंगा, सब तबाह कर खत्म हो जाएगा। यहां तक कि तेरे जिस्म के चीतने उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो देख। Thank you.
जिसके हम में मेरी दिल मर गई, वो मेरा सब कुछ तबाह कर दिया हराम। वो देख, उसकी चिता जल रही है, मैंने खत्म कर दिया उसे। सोनु, रवि, मुझे हथकड़ी पहना दे रवि। नहीं सोनु, तू हम सबको छोड़कर नहीं जा सकता। रवि, अब मैं जी के क्या करूंगा, मेरे जीने के सहारे तो चलेगा रवि। नहीं सोनु, ऐसा मत कह, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं, क्या संजू तेरा बेटा नहीं है, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। सुन, नहीं जा अंकल, मैं आपका बेटा मुन्ना तो हूँ अंकल। सपना डैडी, डैडी, मैं आपका बेटा हूँ डैडी। सपना डैडी, आपको जीना होगा डैडी। हाँ बेटे, मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्ना है बेटे।